प्रेस डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं कुशल गुप्ता। मिडवीक सेशन है और कल जिस तरह से बाजारों में हमें उतार चढ़ाव देखने को मिला, डेफिनेटली आज देखना होगा कि बाजार जो है किस तरह से ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। और वीकली एक्सपायरी भी कल है, तो कहीं ना कहीं उसका मूव भी आज के सत्र में फैक्टर इन होता हुआ दिख सकता है। बहरहाल एसजीएक्स निफ्टी पर एक नजर डालिए, सुबह से ही कमजोरी के संकेत क्लियर कट ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आशीष ये बेवकूफ बना रहा है, आप देखिए कल के सत्र में जिस तरह की गिरावट रही थी ना यहाँ पर, उसके बाद जिस तरह की तेजी हमें वापस से बाजारों में देखने को मिली, कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी पर भरोसा जो है अब हमारा कम होता हुआ दिख रहा है। 155 अंकों की गिरावट तो अभी दिखा रहा है, बट ये जो गिरावट है ये आगे और बढ़ेगी या नहीं ये देखना होगा। शेयर बाजार लाइव में हम आगे चलकर बात करेंगे, अनिल सर और दीपांशु भी जुड़ेंगे हमारे साथ इस शो के बाद। बट डेफिनेटली एसजीएक्स निफ्टी अभी जो इंडिकेशंस दिखा रहा है वो तो नेगेटिविटी का ही है। साथ ही आप देखिए ये नेगेटिविटी क्यों बनती हुई दिखी है, इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है, इसका कारण आप समझिए। अमेरिकी बाजारों में जिस तरह की गिरावट रही है, डाउ जोन्स ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर जाकर बंद होता हुआ दिखा, लगभग 300 अंकों की गिरावट यहां पर थी। और जिस तरह से जो फेड गवर्नर है बर्नार्ड, उनकी तरफ से जो कमेंट्री आती हुई दिखी है, ज्यादा हॉकी स्टांस उन्होंने लिया है, तो अग्रेसिव रेट हाइक्स की एक्सपेक्टेशंस है मई की मीटिंग में। तो कहीं ना कहीं आप देखिए इसका जो इंडिकेशंस आ रहे हैं ना, वो वहां पर के बाजारों पर नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखा, और इसी वजह से हमारे बाजारों पर भी इसका क्लियर कट इम्पैक्ट जो है अभी के माहौल में समझ आ रहा है। बट बाजार जब खुलेंगे एक्चुअली तो क्या होगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आशीष, आप कैसे रीड कर रहे हैं? क्योंकि महंगाई पूरी दुनिया भर की चिंता है, जिस प्रकार से भारत में भी देखें तो हर रोज 80 पैसे फ्यूल की कीमतें बढ़ रही हैं। इन्फ्लेशन को तो ये जरूर हिट करेगा, और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो कितनी बढ़ाएगा, कब कब बढ़ाएगा, इसके ऊपर बाजार की अब पूरी नजर है। लेकिन संकेत काफी मिक्स्ड हैं। एक तो रूस के बीच में, यूएस के बीच में जो तनातनी है उसकी खबरें दोबारा बाजार में लौटती हुई नजर आ रही हैं। इन्फ्लेशन एक बड़ा चिंता है, कमोडिटी कॉस्ट जो है वहाँ पर। लेकिन देखिए अच्छी बात यह कि कुछ पिछले एक हफ्ते में देखें तो एक चीज़ बढ़िया हो रही है कि क्वार्टरली अपडेट्स, बिजनेस हाईलाइट जो चौथी तिमाही के आ रहे हैं लगभग सभी कंपनियों की तरफ से जिन्होंने भी अभी तक पेश किए, एक केवल मेरिको को छोड़ दें, बाकी सबकी तरफ से कमेंट्री, आउटलुक और आंकड़े काफी बढ़िया देखने को। बैंक्स एनबीएफसी तो काफी अच्छा है, बैंक्स एनबीएफसी को आ रहे हैं और यही बाजार को ड्राइव करेंगे, क्योंकि वेटेज इंडेक्स में सबसे ज्यादा इनका ही होता है। तो अगर इनके नतीजे अच्छे आ रहे हैं, इनके अपडेट्स बढ़िया आ रहे हैं, तो इसका असर जो है आपको बाजार पर देखने को मिलेगा। लेकिन कुशल, जैसे कि आपने कहा कि 160 अंकों की गिरावट से डर नहीं लग रहा, क्योंकि स्टॉक्स चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, जो भी स्टॉक्स हम आपके सामने रख रहे हैं वहां पर काफी बढ़िया गेंस देखने को मिल रहे हैं। क्विकली कल का रिकैप करके बताता हूं कि देखिए आपकी लिस्ट में कूलिंग प्रोडक्ट जो है पिछले एक हफ्ते से शामिल है, ब्लू स्टार है, कल यहाँ पे 3-4% की तेजी देखने को मिली। फंडा पिक के तौर पर आपने वोल्टास बताया था, सिम्फनी है, लगातार वहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। और देखिए मैंने भी जो आपको स्टॉक्स बताए थे वहां पर बढ़िया रुझान देखने को मिल रहा है। जीएमडीसी कल 6% की तेजी के साथ बंद हुआ, इसके अलावा सियाराम सिल्क मिल 6% की तेजी यहां पर देखने को मिली। ट्रेंड में बढ़िया तेजी आई, गेटवे डिस्ट्री पार्क है, ताज जीवीके है, कोलपाल है, सिर्फ एक फेडरल बैंक और कॉस्मो फिल्म्स, ये दो स्टॉक ऐसे हैं जो मेरी लिस्ट में गलत पड़ते हुए नजर आए। लेकिन बाकी सभी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो कैश के स्टॉक्स हैं, छोटे मझोले मिड कैप में बढ़िया खरीदारी का रुझान देखने को मिल रहा है, तो फोकस वहीं पे। तो डेफिनेटली ये चीज पे हमें फोकस रखना चाहिए। और कल के सत्र में एक और इंटरेस्टिंग चीज होती हुई दिखी, कल मैंने जो टीसीएस का कॉल बताया था ना उसका, उसको लेकर रात को अप्रिसिएशन भी आई ट्विटर पर, तो वो एक काफी अच्छा कॉल था। जिस तरह से मैंने बाजार खुलने के पहले आपको ये बता दिया था कि आईटी इंडेक्स जो है वो क्लियर कट एक अच्छा आउट परफॉर्मर रह सकता है, तो डेफिनेटली वहां पर कल की जो स्ट्रेटेजी है वो हमारी कारगर साबित होती हुई। बिल्कुल, मेरी लिस्ट में देखिए 10 में से 8 स्टॉक ऐसे रहे जहां पर सुपर जोरदार 5% ज्यादा की तेजी, और ना कोई खबर, ना कोई फंडामेंटल, ना गैप अप ओपनिंग, दिन के दौरान जो है बढ़िया तेजी आई। और उसी प्रकार से हम दोनों अपनी जो फोकस लिस्ट आपके सामने रख लेते हैं। कुशल, सबसे पहले बताइए कैश का स्टॉक। देखिए कैश स्पेस से हमारी सबसे पहली पिक है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज को लेकर। यहाँ पर एक अच्छी खबर की डेवलपमेंट हो रही है इनके लिए। दरअसल यहाँ पर एक अपडेट आया है कंपनी के लिए कि यहाँ पर इन्होंने जो 160 KLPD का शुगर यूनिट में इन्होंने जो स्टार्ट किया है डिस्टिलरी, वो उसकी शुरुआत होती हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली एक अच्छा पॉजिटिव संकेत आप कह सकते हैं शुगर कंपनियों के लिए आता हुआ दिखता है। और जब भी इस टाइप के अपडेट है इनको एक थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत होती है, और उसके बाद इन सभी स्टॉक्स में आग लग जाती है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर आपको फोकस रखना चाहिए। जिस तरह की खबर यहां पर दिख रही है अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। 332 रुपए का टारगेट 10 रुपए ऊपर, 317 5 रुपए नीचे, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी बेहतर फिट बैठ रहा है आपके लिए, तो यहां पर आपको खरीदारी करनी। बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। और देखिए मेरा फोकस जो है रेलवे स्टॉक्स पर है।
इस स्पेस में कुछ ज्यादा बजिंग हो रहा है। ये नया है, काफी दिन से आपने ये चीज नहीं बोली। कोई ट्रेडिंग के लिए रेलवे स्टॉक्स नहीं खरीदता है ना, मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन जिस प्रकार से आज आ गया यहाँ पर कन्विक्शन आ रहा है। कुशल देखिए रेलटेल को देखिए, दो दिन में 20% रेलटेल जैसा स्टॉक अगर चल जाए, और आरबीएनएल में देखिए वहां पर तेजी आ रही है, सभी रेलवे पैक के जो स्टॉक्स हैं वहां पर अच्छी तेजी आ रही है। फैक्टर को प्ले नहीं करना, आर में से एक रेलवे तो निश्चित है, बाकी के दो आर क्या ये ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन राइट्स मुझे लग रहा है यहाँ पर प्ले करके चल सकते हैं। और वैसे भी देखिए स्टॉक की खासियत क्या है, ज्यादा बढ़ेगा नहीं तो ज्यादा गिरेगा भी नहीं, हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस भी हिट ना हो, तो आप ऐसे में आप इस स्टॉक को जो है थोड़ा समय देंगे। 274 रुपए का लक्ष्य है, स्टॉप लॉस लगाएंगे राउंड फिगर 260 रुपए का। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की। फ्यूचर्स के लिहाज से मैंने चुना है टाटा स्टील, क्योंकि यहाँ पर जो है इनकी चौथी तिमाही के अपडेट्स आए हैं। देखिए मेटल स्टॉक्स पर लगातार फोकस बना हुआ है, हर लेवल पर रिकमेंड की तेजी भी आई है, फ्यूचर्स में होल्ड कर लीजिए। और यहाँ पर सुनहरा मौका है, बढ़िया करीब करीब 50 रुपए तक की जो अपसाइड है देखने को मिल सकती है। अपडेट्स अच्छे हैं, 1325 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है MGL का, जहां पर आपको नजर रखनी है। इनके लिए अच्छी खबर आ रही है कि MGL ने प्राइस रिविजन अनाउंस कर दिया है, और खास बात यह है कि CNG की कीमतों में 7 रुपए प्रति किलो की तेजी हुई है, और डोमेस्टिक PNG में भी इन्होंने 5 रुपए की बढ़ोतरी की है। तो डेफिनेटली ये जो प्राइस रिविजन है वो आज सुबह से इफेक्टिव है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए यहाँ पर MGL बड़े फोकस में रहेगा। इनफैक्ट एंटायर CGD स्पेस पर आज आपको फोकस रखना चाहिए। हो सकता है कि आगे चलकर गुजरात गैस भी है वो भी अपने प्राइस और फर्दर इंक्रीज करते हुए दिखे। तो 854 रुपए का टारगेट के लिए MGL खरीद कर चलिए, इसके फ्यूचर्स का 820 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए फ्यूचर्स भी हमने डिस्कस कर लिए, बढ़ते हैं अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की। और ऑप्शंस में अगेन ये कॉल रिपीट कर रहा हूं, कल के सत्र में मैंने आपको टाटा मोटर्स बताया था, दमदार तेजी वहां पर आती हुई दिखी, और आज पॉजिटिव ब्रोकरेज एक्शन इस पर आता हुआ दिख रहा है। इन्होंने मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग मेंटेन की है, और टारगेट जो है इन्होंने 448 से बढ़ाकर 561 रुपए का कर दिया है, तो सिग्निफिकेंटली टारगेट बढ़ाया गया है। 458 रुपए की मौजूदा प्राइसिंग है, मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी आज यहाँ पर वापस से कंटिन्यू हो सकती है। तो 460 रुपए का इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये एट द मनी कॉल ऑप्शन है, इसको खरीद कर चलिए, 1850 रुपए की प्राइसिंग है। 30 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 15 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाना है। हालांकि थोड़ा सा कॉशियस स्टांस मैं कहूंगा, इस पर आपको मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि मेटल्स और खासकर ऑटो जिस तरह से US में गिरावट आई है, मुझे इन सब ये जो दो स्पेस है इससे थोड़ा सा कॉशियस आज ट्रेड करने को लग रहा है। तो चलिए ऑप्शंस के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है पिरामल एंटरप्राइज, लेकिन खरीदारी नहीं, यहाँ पर खरीदारी करेंगे तो जरूर, लेकिन पुट ऑप्शन यानी दिन के दौरान यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, इतनी अच्छी तेजी आ गई और SGX निफ्टी आपको 160 अंकों की गिरावट दिखा रहा है, तो ऐसे में एक कार्ड शॉर्ट कॉल तो आपकी लिस्ट में रहना ही चाहिए, एटलीस्ट वॉच लिस्ट में रखें। दिन के दौरान गिरावट बढ़ती है तो फोकस करके चलें। सिर्फ 22 वाला मार्केट अभी तक आया नहीं है, कभी भी किसी भी खबर पर एक दिन सडन रिएक्शन देखने को मिलेगा, और बाजार में अगर आप देखें तो गिरावट आएगी, एक झटका तो आएगा ही आएगा। अभी जिस प्रकार की एक अच्छा रिबाउंड और रिवर्सल रैली यहाँ पर देखने को मिली है, इसमें एक दिन तो ब्रेक लगेगा, तो इसकी तैयारी हम करेंगे। क्या करेंगे, पिरामिड एंटरप्राइज जो है 2200 रुपए की जो पुट ऑप्शन है इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। और जिस प्रकार से स्ट्रक्चर में देख रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि यहां पर गिरावट दिन के दौरान अगर आती है तो इस पुट ऑप्शन की वैल्यू हो जाएगी राउंड फिगर 75 रुपए, लेकिन सेफर साइड क्योंकि 64 रुपए के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, तो इसी भाव पर आज जो है आप एंट्री कर सकते हैं। 57 रुपए का जो है आपको लगा लेना चाहिए स्टॉप लॉस दिन के दौरान जो है पिरामल एंटरप्राइज, बाजार की गिरावट के साथ वैसे भी हाई बीटा है तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक, और टेक्नोपिक में देखिए कुशल सबसे पहले कहूंगा कि ये कैटेगरी हमारी लगातार कमाल कर रही है, ढूंढ ढूंढ कर स्टॉक ऐसे लेके आ रहे हैं जिनकी चर्चा होती नहीं है, किसी के भी रिडार पर नहीं आते, लेकिन हमारे रिडार पर आते हैं, और हर बार 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 सोलार इंडस्ट्री बड़ी तेजी आई है। कल के सत्र में आप देखिए बड़ा अच्छा यहाँ पर देखने को मिला है, और जो प्रीवियस मैंने दिया था उसके लक्ष्य भी हासिल होते हुए नजर आए, लेकिन स्केल अप करेंगे हमने ये सीखा है धीरे धीरे कि आप अपनी जो विनिंग पोजीशंस हैं इन्हें ऐड करेंगे, जो लूजिंग ट्रेड्स हैं उन्हें एवरेज नहीं करना है, वो कभी भी काम नहीं आता। तो क्या करेंगे, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं सोलार इंडस्ट्रीज में। अच्छा हर बार वैसे बार बार बताया, एक और बार बता देता हूँ कि सोलार इंडस्ट्रीज का सोलार से कोई भी लेना देना नहीं है, एक्सप्लोजिव बनाती है कंपनी, और एक्सप्लोजिव ब्रेकआउट हुआ है वीकली चार्ट पर। तो 2920 रुपए के लक्ष्य के लिए जो है हम 2920 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर 3210 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो डेफिनेटली सोलार इंडस्ट्रीज पर नजर रखिए, दोबारा रिकमेंडेशन कर रहे हैं आशीष, और कहीं ना कहीं ये जिस तरह का मूवमेंट आ रहा है डेफिनेटली आपको खरीद कर चलना चाहिए। चलिए टेक्नोपिक के आधार पर
मैं भी पीछे नहीं हूँ पुट कॉल देने में, और यहाँ पर पुट ऑप्शन HDFC बैंक आपको बाय करके चलना है। कल भी 3.75% की गिरावट थी, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ये मर्जर की अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद 9.5-10% की जो तेजी हुई थी HDFC बैंक में, उसके बाद यहाँ पर गिरावट का रुझान वापस से बनता हुआ नजर आ रहा है। खासकर HDFC लिमिटेड के लिए ये ज्यादा फायदे की डील मुझे लग रही है। तो HDFC बैंक जिस तरह की कल की गिरावट थी, आज भी जिस तरह से निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, फर्दर गिरावट अगर होती है बैंकों में तो HDFC बैंक फिर से लीड करता हुआ दिख सकता है। तो 1600 रुपए का जो पुट ऑप्शन है, 43 रुपए की प्राइसिंग है, इसको खरीद कर चलिए। 65 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 32 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए टेक्नो पिक तो हमने बता दिए हैं, बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है फंडा पिक। और फंडा पिक के लिहाज से मैंने अगेन एक डायग्नोस्टिक स्पेस से स्टॉक चुना है, डॉक्टर लालपत लैब का। पहले भी मैंने आपको ये रेकमेंड किया है, और कल आप देखिए किस तरह की तेजी मेट्रोपॉलिस में बनती हुई नजर आई, 13% और उसके पिछले दिन 7%, 2 दिनों में 20% की तेजी उस स्टॉक में ऑलरेडी बन गई है। और कारण मेजरली अगर आप देखेंगे तो बड़ा वैल्यूएशन गैप नजर आ रहा है, जो 52-वीक हाई से ये सारे स्टॉक्स टूटे थे, एक बहुत ही बेहतरीन रिबाउंड आपको इस स्पेस में फिर से लौटता हुआ दिख रहा है। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि डॉक्टर लालपत लैब में आपको खरीदारी कर चलनी चाहिए। वैल्यूएशन गैप के लिहाज से भी 52-वीक हाई के मुकाबले अभी की जो प्राइसिंग है लगभग 34% नीचे है, तो डेफिनेटली आपको यहां पर खरीदारी करके चलनी चाहिए। और इन्होंने एक और अपडेट भी दिया है जिसके अंतर्गत ये कह रहे हैं कि जो ब्लड सैंपल्स हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ड्रोन्स का कंपनी इस्तेमाल करती हुई दिखेगी आगे चलकर। तो ऐसा हो सकता है कि इनके जो ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी कमी आती हुई नजर आए आगे चलकर, तो इसी वजह से फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छी स्टोरी बन रही है। तो अच्छा एंट्री लेवल आपको मिल रहा है, 52-वीक हाई से 34% नीचे है, 2780 रुपये की प्राइसिंग है, 20-25% के गेंस आपको अगले एक साल में तो डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं, तो इसको आप खरीद कर चले। तो चलिए फंडा पिक के लिहाज से कुशल को डायग्नोस्टिक स्पेस काफी ज्यादा पसंद है, मुझे पसंद आ रहा है NTPC, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए कुशल, सरकारी स्टॉक्स के बारे में बहुत हेटर्स है, बहुत ज्यादा लोग हेट करते हैं, लेकिन इनमें एक चीज बहुत है, कंफर्ट है, आप लवर है राइट्स, NTPC। देखिए यहाँ पे एक तो क्या डिविडेंड बढ़िया मिलता है, प्लस थोड़ी सी सेफ्टी भी रहती है, और जिसका कारोबार अच्छा है ना उसके साथ तो बना रहना चाहिए। नो डाउट सरकारी पैक में कुछ ऐसी भी कंपनीज है जहां पर कारोबार मजबूत नहीं है, लेकिन NTPC देखिए ये अपने आप को लगातार जो रेनोवेट कर रहा है, अब ये ग्रीन हाइड्रोजन में पूरी तरीके से उतर रहे हैं। गुजरात गैस के साथ इन्होंने करार किया है पाइप्ड नेचुरल गैस में ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग के लिए, और जी बिजनेस पर सबसे पहले ये थीम हाईलाइट हुई थी कि ग्रीन हाइड्रोजन है क्या दरअसल। मैं वही कहने वाला था कि ग्रीन हाइड्रोजन पर जब से आपने लिंक किया है ना, तब से आपकी पकड़ इन सब स्टॉक्स में और विस्तार होती हुई दिख रही है। बिल्कुल, तो रिन्यूएबल स्पेस पर देखिए हम दोनों का ही फोकस है, टाटा पावर आपकी लिस्ट में रहा है, कल के सत्र में आप देखिए कितना बड़ा मूव देखने को मिला है। हर बार हम आपको स्टॉक्स बताते हैं गहरी रिसर्च के बाद बताते हैं, तो NTPC यहां पर दम है। हाइड्रोजन पर अर्ली प्लेयर सामने आ रहा है, तो यहां पर देखिए एक बड़ा बेनिफिट इसको आगे जाकर देखने को मिलेगा, और स्पेस बहुत ज्यादा बजिंग है क्योंकि भारत देखिए अब जिस प्रकार से कच्चा तेल है, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, बहुत बड़ा हेडेक है भारत जैसी इकोनॉमी के लिए। तो एक अल्टरनेटिव फ्यूल जैसे बन रहे हैं, एथेनॉल हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है, ईवी हो रहा है। वैसे एक बात बता दूं कि ईवी और एथेनॉल दोनों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है हाइड्रोजन हर एक लिहाज से, क्योंकि इससे ना कि सिर्फ आप अपने व्हीकल्स, आप इसको गैस में मिक्स कर सकते हैं, आप इंडस्ट्रीज को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फ्यूचर पोटेंशियल है बहुत बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते मैं मानो कि स्टॉक को छोड़ना नहीं चाहिए, और बाकी के भी सभी देखिए मिसाल के तौर पर लिंडे इंडिया, आपको बताया आज तक स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा, लगातार तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। तो 6-9 महीने का समय दीजिए NTPC को, 150 का शेयर है, थोड़ा सुस्त है लेकिन 180 के पार जाने की क्षमता रखता है, और सेफ्टी ऑफ मार्जिन भी स्टॉक के अंदर नजर आता है। तो चलिए फंडा पिक के लिहाज से स्टॉक्स तो हमने कर लिए डिस्कस, अगली जो हमारी कैटेगरी होंगी वो है IPL स्टॉक। तो लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी यानी IPL स्टॉक के तौर पर, यानी निवेश के लिहाज से जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो स्टॉक मैंने चुना है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। दरअसल देखिए कल आपको ट्रेंड बताया, 2.5-3% की तेजी FNO का स्टॉक है वहाँ पर देखने को मिली, और इस स्पेस के सभी स्टॉक्स देखिए बहुत ज़्यादा बजेंगे। अब ABFRL में देखें तो ऑल टाइम हाई के पास जो है कंसोलिडेशन देखने को मिला है, काफ़ी बार जो है शो के दौरान हमने डिस्कस किया कि कोई भी स्टॉक हाईस के आसपास कंसोलिडेट करे, गिरने से मना कर दे, रिफ्यूज़ कर दे, तब आप समझ लीजिए कि बुल्स पूरी तरीके से चार्ज्ड अप है और हर डिप में खरीदारी कर रहे हैं, और इसके चलते जो स्ट्रक्चर बनेगा और उसके ऊपर जब ब्रेकआउट होगा तब ये स्टॉक सबके रडार पर आएगा, लेकिन इससे पहले जो है आपको खरीदारी का बढ़िया मौका मिल रहा है। और 309 रुपये के आसपास की जो क्लोजिंग है मैं मान रहा हूँ कि आपको बड़ी आसानी से जो है
करीब समझ लीजिए कि 400 रुपए तक के जो स्तर हैं वो देखने को मिल सकते हैं। समय थोड़ा सा ज़्यादा लेके चले, बाजार वॉलेटाइल है, आपको 12 महीने का व्यू बनाकर ही आईपीएल स्टॉक्स में एंट्री करनी चाहिए। तो 390-400 रुपए के लक्ष्य के लिए एबी फैशंस में जो है आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो एबी फैशंस में खरीदारी करके चलिए। और मेरी तरफ से आईपीएल स्टॉक है एम&एम का, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। निवेश के लिहाज से आप देखिए काफी बेहतरीन काउंटर है और अगले एक साल में ये पूरा ऑलराउंडर बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि यहां पर कंपनी ने ये चीज कही है कि जो ACC है, जो बैटरी सेगमेंट है, लिथियम आयन बैटरी बनाने का जो सेल मैन्युफैक्चरिंग की PLI स्कीम है, PLI स्कीम हो या नहीं ये निवेश करेंगे और 3,000 करोड़ रुपए तक के निवेश करने की इनकी योजना है। और आप देखिए यहाँ पर आगे चलकर EV जो इनकी आती हुई दिखेगी उसमें इनकी खुद की सेल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो FY28 से लॉन्च होती हुई नजर आएगी। तो सेंटिमेंटली काफ़ी अच्छा जो अपडेट है वो M&M की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। तो अगले एक साल में ऐसी कुछ खबरें हैं इनफैक्ट मार्केट में, इट्स नॉट कि इन्होंने ये सर्कुलर जारी किया है, मार्केट में ये रिपोर्ट्स हैं M&M को लेकर। तो 1100 रुपए के टारगेट के लिए आपको यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। तो चलिए खबरों के दम पर जो मैंने स्टॉक चुना है उसको लेकर अब आगे बढ़ते हैं। और ये जो कैटेगरी हमारी खबरों के दम पर, उसमें मैंने चुना है TVS मोटर्स। तो M&M के साथ साथ TVS मोटर्स पर भी नज़र रखिए। और ये जितने भी स्टॉक्स हैं ये मैं आपको खरीदारी की राय दे रहा हूँ और लंबी अवधि के लिए दे रहा हूँ, आज के लिए नहीं। हो सकता है कि यहाँ पर एक थोड़ा सा डिप पूरे के पूरे स्पेस में भी आता हुआ नजर आए, तो डेफिनेटली निचले स्तरों पर अच्छी खरीदारी के मौके आपको देखने को मिल सकते हैं। दरअसल इन्होंने JioBP के साथ मिलकर EV सॉल्यूशंस बनाने के लिए करार कर लिया है, तो EV थीम जो है वो कहीं ना कहीं अगेन फोकस में आती हुई दिख रही है। तो TVS मोटर्स 750 रुपए के टारगेट आपको अगले 6 महीनों में भी आते हुए नजर आ सकते हैं। तो चलिए खबरों के दम पर TVS मोटर्स पर नजर रहेगा और बाजार पर भी नजर डाल लीजिए। 160 अंकों की गिरावट हम शो की शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे, फिलहाल 180 अंकों की गिरावट है, आपको SGX निफ्टी करीब दिखा रहा है। खबरों के लिहाज से मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है PB फिनटेक, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। जब न्यू एज कंपनीज में लगातार बड़ा करेक्शन आया था, इसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब थोड़े से ग्रीन शूट जो है विजिबल नजर आ रहे हैं। चार्ट पर देखें रिवर्सल के संकेत, और साथ में खबरों के लिहाज से इसके लिए लिया है क्योंकि इसके भी क्वार्टरली अपडेट्स, बिजनेस हाईलाइट्स आई हैं। और इसमें अगर आप देखें तो जो इनकी प्रीमियम कलेक्शंस हैं इसमें देखिए बढ़िया बढ़त देखने को मिली है। खासतौर पर देखें तो पैसा बाजार जो है यहाँ पर इनकी जो लेंडिंग है, इनकी डिसबर्समेंट है, यहाँ पर साल दर साल के लिहाज से देखें तो बहुत बढ़िया ग्रोथ नजर आएगी। इंश्योरेंस कारोबार भी इनका बढ़िया चल रहा है, तो जिसके चलते मैं मान रहा हूँ बीट एंड डाउन स्टॉक है। अच्छा कंफर्ट अब आ रहा है थोड़ा बहुत खरीदारी करने का, तो 865 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चलें। 816 रुपए की क्लोजिंग है, आप 16 रुपए का रिस्क जो है कैलकुलेट करके चलें, यानी 800 रुपए का राउंड फिगर आपको लगाने लेना चाहिए स्टॉप लॉस। अच्छी तेजी बाजार की रिकवरी के साथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और माई चॉइस में पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में जो कि काफ़ी बार मेरी लिस्ट में रहा है, वो है पूना वाला फिनकॉर्प। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। टेक्निकल तौर पर काफ़ी बार ये स्टॉक मैंने सजेस्ट किया, SIP में भी आपको ये स्टॉक बताया गया था। अब देखिए ट्रिगर ये आ रहा है कि यहाँ पर ऑपरेशनल हाईलाइट जो आएँ उसमें भी देखें तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है, इसके चलते 288 रुपीज के लक्ष्य से खरीदारी करें और केवल 4-5 रुपये आप अपनी एंट्री प्राइस से नीचे जो है एक स्टॉप लॉस लाकर चल सकते हैं। दिन के दौरान तेजी आएगी। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में सारेगामा, यहाँ पर खरीदारी कीजिए क्योंकि स्टॉक किसी के हाथ में नहीं आया था। देखिए यहाँ पर बहुत बेहतरीन राउंडिंग बॉटम का जो है ब्रेकआउट हुआ था कोविड के समय और फिर एक तरफा बड़ी तेजी देखने को मिली। ये स्टॉक ऐसा है जिसे हर बार मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि 5% का सर्किट फिल्टर इसका बढ़ ही नहीं रहा है और साथ में हर रोज ये सर्किट पे ही बंद होता है, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ, सर्किट पे क्लोजिंग नहीं हुई है, इसके चलते इस स्टॉक को मैंने शामिल किया। आशीष आप रेकमेंड कर रहे हैं ना, इस वजह से ये सर्किट फिल्टर्स का रिवाइज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप रेकमेंड करते हैं 5% फिर कुशल मौका ही नहीं मिल पा रहे। स्टॉक हमेशा सर्किट पे ही रहता है, अब कल लकीली नहीं था, अब क्योंकि स्टॉक स्प्लिट होने जा रहा है, जो 10 शेयर होंगे 1 शेयर के बदले, इसका एक बड़ा बेनिफिट है। तो 4,900 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, दिन के दौरान जो है 5% की तेजी आएगी। आखिरी स्टॉक के मेरी लिस्ट में कावेरी सीड, यहाँ पर भी टेक्निकल स्ट्रक्चर बढ़िया है, खरीदारी करेंगे 625 के लक्ष्य के लिए, 590 का लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए फाइनल कैटेगरी माई चॉइस में मेरा जो पहला कॉल है वो है IT स्पेस से। इनफैक्ट मिड कैप IT काउंटर कल के सत्र में भी काफी अच्छा बजिंग होता हुआ दिखा था, इसमें LTTS आप खरीद कर चलिए। टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत लग रहे हैं, 5350 रुपए के टारगेट के लिए 5150 रुपए, 20 रुपए केवल नीचे जो है आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली स्टॉक की तरफ और वो है IDBI बैंक, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। ओवरऑल सेक्टर जो है वो तो गिरावट का रुझान दिखाएगा, उस पर मैंने व्यू भी दिया आपको, HDFC बैंक के पुट ऑप्शन खरीद कर
पर आईडीबीआई बैंक में खरीदारी की रीजन ये बन रही है कि इनके लिए जो खबर आ रही है कि सरकार जो है 50% प्रीमियम पर जो है यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए कहीं ना कहीं प्लान्स बना रही है। तो आईडीबीआई बैंक ये खबर पर फोकस रहेगा, 47 रुपए के टारगेट के लिए 44 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है मेरा आईसीआईसीआई बैंक, जहां पर आपको बिकवाली करनी है तो एचडीएफसी बैंक के पुट ऑप्शन खरीद कर आपको रखना है, और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक में भी आज के लिए गिरावट रह सकती है। तो 743 रुपए की प्राइसिंग है, 720 रुपए आपको लोअर लेवल पे टारगेट्स लगाने हैं, 750 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए फोकस लिस्ट हो गई तैयार, जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में राइट, टाटा स्टील के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी, और पिरामल एंटरप्राइज 2200 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदेंगे 75 के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली बड़ा ब्रेकआउट हुआ है सोलार इंडस्ट्रीज में, फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी एनटीपीसी, निवेश के लिहाज से खरीदना है आदित्य बिरला फैशन। पीबी फिनटेक के क्वार्टरली हाईलाइट्स काफी बढ़िया है, पूना वाला फिनकॉप यहाँ पर आएगी तेजी, सारेगामा में करेंगे खरीदारी, और कावेरी सी 625 का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपेक सोलार इंडस्ट्रीज, वीकली चार्ट पर देखें तो मैसिव ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिला है, 3210 रुपए के लक्ष्य स्टॉक में खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए कैश पेस से डिस्टिलरी ओपनिंग के जो अपडेट आता हुआ दिखा है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग फिर से फोकस में आता हुआ नजर आएगा, साथ ही एमजीएल ने जिस तरह से प्राइस रिवीजन करे हैं सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में, 854 रुपए के टारगेट आज यहां पर भी हासिल हो सकते हैं। ऑप्शंस कैटेगरी में पॉजिटिव ब्रोकरेज अपग्रेड आता हुआ दिख रहा है टारगेट वाइज, टाटा मोटर्स 460 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए, साथ ही टेक्नोपिक के लिहाज से एचडीएफसी बैंक और पूरा का पूरा बैंकिंग एनबीएफसी स्पेस मुझे आज कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, तो 1600 रुपए का पुट ऑप्शन एचडीएफसी का आपको खरीद कर चलना है। डॉक्टर लाल लैब फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, अच्छा वैल्यूएशन गैप है, अगले एक साल में 3500 रुपए के लक्ष्य दिखा सकता है। आईपीएल के लिहाज से आपको M&M खरीद कर चलना है, ये भी लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट्स करके चलनी है। न्यूज के दम पर आपको टीवीएस मोटर्स यहां पर भी 6 मंथ्स के लिए 750 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और 5 कैटेगरी में 2 खरीदारी L&T टेक और IDBI बैंक पर बिकवाली करनी है ICICI बैंक में। और आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है HDFC बैंक, इसका पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है 1600 रुपए का, कहीं ना कहीं बिकवाली का जो इंडिकेटर है क्लियर कट यहां पर फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए हमने सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का तो रिकैप कर लिया है ट्रेडर्स डायरी में, पर अगला शो शेयर बाजार लाइव, यहां पर किस तरह के ट्रेंड आपको बाजारों में देखने को मिलेंगे ये एनालिसिस करने के लिए सीधे चलते हैं फिलहाल दीपांशु के पास। दीपांशु गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। थोड़ा फेड की वजह से आउट ऑफ सिलेबस एक्शन जो बाजार में हुआ है स्पेशली कल की गिरावट के बाद, क्या हमारे बाजार और रिएक्ट करेंगे या फिर हमारे बाजार पहले ही इस पर अपना रिएक्शन दे चुके हैं, ये जानना जरूरी है। मिडवीक ट्रेडिंग सेशन, आइए शुरुआत करते हैं शेयर बाजार लाइव की।